स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसपीएल स्टडी पर। मैं प्रमोद कुमार, मैथ्स टीचर। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके आगे सीबीएसई क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 9 पढ़ेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को जानने के बाद हम इस ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे, वो इस चैप्टर में बताया गया है। आपने कई बार किसी पोल या मीनार को किसी डिस्टेंस से देख इसके टॉप को देखा होगा, तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि इस मीनार की या पोल की या बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो इसी हाइट को हम इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में समझेंगे। इसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के इस एप्लीकेशन को समझने में हेल्प करेंगे। पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक मीनार है, इस मीनार की हाइट हमें फाइंड करनी है। इसके कुछ डिस्टेंस पे हम यहां खड़े होके इस मीनार के टॉप को देखते हैं। तो जब हम इसे देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल मीनार का जो ग्राउंड लेवल रहेगा, मीनार से कुछ डिस्टेंस पर रहेगी, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल या ग्राउंड का लेवल। ये मीनार की हाइट, ये इसका टॉप और ये बॉटम। और जब हम इसे देखते हैं तो एक इमेजिन कर सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर हम देख रहे हैं, इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो जब देखते हैं तो यहाँ एक एंगल बनता है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो हमें ये एंगल फाइंड होना जरूरी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एंगल हमें पता रहना चाहिए। क्वेश्चन में जब किसी ऑब्जर्वर की हाइट को दिया हुआ रहता है तब तो हम उसकी हाइट को मानेंगे, अन्यथा उसको इग्नोर कर देंगे, उसे नेग्लेक्ट मानेंगे कि हाइट कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वही ऑब्जर्वर और टॉप के बीच में बन रहा है। अब जब कोई भी एक राइट ट्राइंगल हो तो इसे अप्लाई करने के लिए, बाकी सभी साइड्स को मेजर करने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वो कम से कम एक साइड हमें मालूम हो। साइड चाहे वो हाइट के रूप में या ये जो मीनार से ऑब्जर्वर का जो बीच का डिस्टेंस है ये हमें मालूम है, तो दोनों में से कोई एक साइड हमें मालूम होना चाहिए। और साथ में दो एंगल हमें मालूम होना चाहिए। एंगल जैसे ये राइट ट्राइंगल बन रहा है तो ये एंगल क्लियर है कि 90 डिग्री होगा, और एक एंगल अगर हमें मेजर है तो दूसरा एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, 90 में से माइनस कर लेंगे तो दूसरा एंगल भी फाइंड होगा। तो एक साइड और दो एंगल हमें मालूम होना चाहिए, या फिर दो साइड और एक एंगल हमें मेजर होना चाहिए। तो साइड को तो हम टेप से नाप सकते हैं कि मीनार से ऑब्जर्वर का कितना डिस्टेंस है। अब इस एंगल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसे सेक्सेंट या दूसरा इसको इंस्ट्रूमेंट है उसे थियोडोलाइट कहा जाता है। थियोडोलाइट का फिगर आप एनसीईआरटी बुक्स में देख सकते हैं कि किस तरह से वो दिखाई देता है, उसका एक इमेज दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उसके अंदर एक टेलीस्कोप होता है जो एक डिस्क के ऊपर रोटेट करता है और नीचे एक मीटर लगा रहता है, कितना टेलीस्कोप रोटेट हुआ है वो एंगल हम उस के मीटर से मेजरमेंट कर सकते हैं। आइए इसमें जो थियोडोलाइट दिखाई दे रहा है, ब्रिटिश इंडिया की सर्वे टीम ने इसका निर्माण किया था। 1852 में वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन को डिस्कवर करने में इसका उपयोग किया गया था। 1856 में ब्रिटिश इंडिया सर्वे टीम के कमिश्नर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम के आधार पर हाईएस्ट माउंटेन पिक का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। यह थियोडोलाइट अभी देहरादून के म्यूजियम में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। अब कई मॉडर्न और डिजिटल थियोडोलाइट बनाए जा चुके हैं, तो 2 से 3 सेकंड में ही किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करने पर एंगल का मेजर बता देते हैं। आइए इसमें कुछ और टर्म्स हैं जो इनमें जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को समझने में हमारी हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स के सामने जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से रिलेटेड कि क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज दिया रहता है उस लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते।
उस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, तो उस मीनिंग को समझने के लिए, उसके लैंग्वेज को समझने के लिए इसमें जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। और जब कंसेप्ट हम समझ जाएंगे कि इसमें किस किस तरह से हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह से एंगल बनना है, तो इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पहली जो स्थिति है, जैसे ये मीनार यहाँ से इस पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर इसके टॉप को देखता है, तो इसे कहेंगे ग्राउंड लेवल या हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। तो जब ऑब्जर्वर ऊपर की ओर किसी टॉप को देखता है तो यहां जो एंगल बनता है, ये इसे अगर थीटा से रिप्रेजेंट करें तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर की जो लाइन ऑफ साइट होती है और हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब पॉइंट ऑफ व्यू इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ रहता है, अबो रहता है, तो इसके डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल ऑफ इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल टू द लाइन ऑफ साइट इफ पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू अबो द हॉरिजॉन्टल। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, जब पॉइंट ऑफ व्यू जो जिस पॉइंट को हम देखते हैं वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल से ऊपर रहता है तब एलिवेशन ऑफ एंगल बनता है। दूसरी स्थिति हो सकती है जब हम इसी मीनार के टॉप पर है और टॉप से नीचे किसी चीज को देख रहे हैं, कोई कार है, कोई पेड़ है, उसे देख रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर जब हम इस टॉप पर खड़े हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ये कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल, और लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी। तो यहां हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, इन दोनों के बीच के एंगल को ही कहा जाता है। जब पॉइंट ऑफ व्यू, ये इस पॉइंट को देखा जा रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू बिलो द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के नीचे की तरफ रहता है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो इसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल ऑफ इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल to the line of sight when point of view below the horizontal। तो जब horizontal level के नीचे की तरफ देखा जाता है तब एंगल जो बनता है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तब वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां एक क्वेश्चन आ सकता है कि एंगल ये दिया हुआ है थीटा डिग्री, ये साइड और ये हॉरिजॉन्टल लेवल, तो यहां जब राइट ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां देखिए, जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये ग्राउंड लेवल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इसे ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, तो ये दोनों एंगल पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी के अनुसार ये अल्टरनेट एंगल, ये दोनों
आपस में इक्वल रहते हैं, तो जो डिप्रेशन एंगल होगा वही यहाँ एलिवेशन के रूप में काम करेगा। तो इसे मानकर फिर ये राइट ट्रायंगल, मीनार की हाइट और ये डिस्टेंस और ये एंगल हमें मेजर हो जाता है, तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन के सिचुएशन को और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर हम इसके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में किस किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, कैसे कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।